नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक रिलीजियस कहानी सुनाऊंगा और आप गेस करना कि इस कहानी में मेन कैरेक्टर्स के नाम क्या है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसके नाम के आखिरी दो लेटर्स हैं ए और एम। इस आदमी की एक वाइफ थी जिसका नाम शुरू होता था एस से। इन दोनों हस्बैंड वाइफ को अपने शहर से बाहर निकाला जाता है और ये दूर दक्षिण की दिशा में ट्रैवल करते हैं। इनके साथ इस आदमी का एक रिलेटिव भी ट्रैवल कर रहा है जिसका नाम शुरू होता है एल से। अपने सफर में जब ये जा रहे होते हैं तो किसी दूर के राज्य का एक राजा इन औरत को अपने साथ ले जाता है और इस राजा के नाम का आखिरी लेटर है एन। कहानी में और बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन शॉर्ट में कहा जाए तो ये औरत रिहा हो जाती है, बचकर निकल जाती है उस राजा की कैद से और ये आदमी और औरत वापस लौटते हैं। अब क्या यहाँ पर आप फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो? वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो 2 सेकंड। आप कहोगे तो बड़ा आसान है, ये रामायण की कहानी है जिसमें कैरेक्टर्स हैं राम, सीता, लक्ष्मण और रावण। लेकिन कैसा लगेगा सुनकर अगर मैं कहूं यही फिल इन द ब्लैंक्स एक और कहानी में फिट बैठते हैं, जहां पर हमारे कैरेक्टर्स हैं अब्राहम, सारा, लॉट और फिराउन। ये कहानी है प्रॉफिट अब्राहम की, जो कि कॉमन प्रॉफिट है क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडाइज्म धर्मों के। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो किया था रामायण के ऊपर जो आप लोगों को बहुत पसंद आया। अगर आपने नहीं देखा है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर बाद में देख सकते हैं। तो उसी रिलीजन सीरीज को आगे कंटिन्यू रखते हुए आज के एपिसोड में बात करते हैं प्रॉफिट अब्राहम के बारे में। अब आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल भी आया था कि भाई रिलीजन के ऊपर वीडियोस बनाने का क्या तुक बना, वो भी आज के जमाने में। इसमें मेरा मानना है दोस्तों, आज के जमाने को देखते हुए ही मुझे लगता है कि रिलीजन के ऊपर वीडियोस बनाना जरूरी है, क्योंकि रिलीजन आज के दिन एक ऐसी चीज बन गई है जिसे बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है पॉलिटिशियंस और मीडिया के द्वारा लोगों में डर फैलाने के लिए। रिलीजन का ही इस्तेमाल करके लोगों में नफरत फैलाई जा रही है और मुझे लगता है वीडियोस उसे काउंटर करने का बहुत अच्छा काम करते हैं। जितना हम अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे के रिलीजन्स के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, उतना ही हम एक दूसरे से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, उतना ही प्यार और भाईचारा लोगों के बीच में बढ़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानियां जो कि 3 धर्मों में कॉमन है। प्रॉफिट अब्राहम को लेकर कई लोगों के द्वारा माना जाता है कि ये पहले ऐसे फिगर थे जिन्होंने मोनोथीज्म प्रीच किया। मोनोथीज्म का मतलब सिर्फ एक भगवान में विश्वास रखना। इसका ऑपोजिट शब्द है पॉलीथीज्म। पॉलीथीज्म का मतलब है कि आप मानते हो कि कई सारे भगवान होते हैं। मोनोथीस्ट कहते हैं कि सिर्फ एक भगवान है। ये जो 3 रिलीजन्स हैं क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडाइज्म, इन तीनों को अब्राहमिक रिलीजन्स की कैटेगरी में डाला जाता है और ये अब्राहमिक शब्द एक्चुअली में प्रॉफिट अब्राहम से ही आता है। कई लोग मानते हैं कि प्रॉफिट अब्राहम पहले प्रॉफिट थे, स्पेशली ज्यूज का ये मानना है, कई क्रिश्चियंस भी ये मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ क्रिश्चियंस कहते हैं कि अब्राहम नहीं बल्कि इनाख पहले प्रॉफिट थे। जेनेसिस के चैप्टर 5:22 में लिखा गया है कि इनाख वॉक्ड विद गॉड फॉर 300 ईयर्स। जेनेसिस एक्चुअली में बाइबल की पहली किताब है। इनाक को कहा जाता है कि ये डिसेंडेंट थे एडम के और एडम को पहला ह्यूमन बीन माना जाता है इन तीनों धर्मों के लोगों के द्वारा। मुस्लिम्स का मानना है कि एडम तो पहले प्रॉफिट भी थे, तो इसलिए अपनी कहानी की शुरुआत पहले एडम और ईव की कहानी से ही करते हैं। एडम और ईव की कहानी का नाम जरूर आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। एडम को आदम करके भी पुकारा जाता है और माना जाता है कि भगवान ने इन्हें मिट्टी से बनाया, भगवान ने इन्हें सांस दी और ये एक लिविंग बीन बन गए। वैसे पूरे वीडियो के दौरान मैं भगवान, गॉड और ईश्वर जैसे शब्दों का प्रयोग करूंगा, लेकिन इन सब का मतलब एक ही है क्योंकि यहां पर हम मोनोथीज्म की बात कर रहे हैं। तो शब्द कोई भी हो, एक ही भगवान को रेफर किया जा रहा है। साल 1500s में एक बड़े फेमस पेंटर रहते थे माइकल एंजेलो नाम से। इन्होंने ये बड़ी ऐतिहासिक पेंटिंग बनाई जो कि आज के दिन आपको वैटिकन सिटी के म्यूजियम में मिलेगी। इस पेंटिंग में दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे भगवान ने एडम को क्रिएट किया। एडम को बनाने के बाद उन्हें गार्डन ऑफ ईडन में प्लेस कर दिया। इस गार्डन में 2 पेड़ लगे हुए थे, पहले पेड़ का नाम द ट्री ऑफ लाइफ और दूसरे पेड़ का नाम द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड ईविल। भगवान ने कहा कि जो खाना है खा लो, बस इस दूसरे पेड़ से कोई फल तोड़कर मत खाना, बस मेरी एक ही एक कंडीशन है। फिर भगवान ने सोचा कि ये एक आदमी अकेला बड़ा लोनली फील करेगा, कोई ना कोई हेल्पर जरूर होना चाहिए इसके साथ। तो इसके बाद फिर भगवान ने जमीन से जानवरों और चिड़ियों को बनाया, लेकिन कोई भी सूटेबल हेल्पर नहीं था। फिर भगवान ने एडम को सोने भेजा और जब वो सो रहा था तो उसकी बॉडी से एक हड्डी निकाली और उस हड्डी से एक औरत को बनाया। इस औरत का नाम एडम ने ईव रखा। ईव को एवा भी बुलाया जाता है जिसका मतलब लाइफ होता है। एक दिन क्या होता है कि एक सांप आकर ईव को बहकाने की कोशिश करता है कि ये फॉरबिडन फ्रूट को खा लो। ये जो पेड़ है जिसको लेकर भगवान